तो इसके अंदर क्या गिवन है, एल्यूमिनियम रॉड विद यंग्स मॉडुलस, क्या गिवन है वाई, और क्या गिवन है स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है डेल्टा एल बाय एल 0.04/100% ए। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है, क्या करवाया था फॉर्मूला, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला था हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। भाई स्ट्रेन तो पता ही है, डेल्टा एल बाय एल की रेशियो तो ऑलरेडी गिवन ही है, अब आपको क्या निकालना है स्ट्रेस, तो वाई क्या होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस विल बी इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है डेल्टा एल बाय एल। तो यहां पर सॉल्व करें, पुट करें और ऑप्शन मार्क करें। तो हाफ इंटू स्ट्रेस कैलकुलेट करें, वाई इंटू 0.04 बाय कितना आ रहा है आंसर, सी आंसर आ रहा है, चेक करें सी आएगा। सी क्लियर है, ठीक है, आप लेवल देख रहे हैं, आप और देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा, क्या आंसर है, आंसर बोल दो फिर। इसमें क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल आपको गिवन है, यानी कि क्या गिवन है वाई वन और वाई टू की रेशियो गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए वन और ए टू की रेशियो भी गिवन है, सेम अमाउंट ऑफ लोड इज अप्लाइड तो एफ की वैल्यू दोनों में सेम है, एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड की रेशियो क्या होगी। भाई यंग मॉडुलस होता क्या है, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, तो डेल्टा एल एलोंगेशन क्या होगी फोर्स बाय एरिया और वाई और, तो आप एक बार वायर नंबर वन के लिए यूज करें, एक बार वायर नंबर टू के लिए यूज करें, और वायर की वाई और वाई की रेशियो पता है एफ सेम रखना है, ए आंसर आ रहा है क्या, चेक करें ए आ रहा है, ओके तो चेक करें इसका आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है बिल्कुल सही। मेथड समझ में आ रहा है, मेथड समझ में आ रहा है सर, मैं पुराने लिखा हुआ है यार, ये देख शिफ्ट भी लिखी हुई है, ऑप्शन क्या रहा है बोलो। इसमें वायर जिसकी लेंथ एल है, ये देखो लेंथ क्या है एल है और रेडियस क्या है आर है और फोर्स कितनी लग रही है एफ है और वायर की इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल की वैल्यू क्या है एल, कह रहे बताओ अगर मैं लेंथ को डबल कर दूं, रेडियस को डबल कर दूं, फोर्स को मैं डबल कर दूं, तो बताओ डेल्टा एल टू क्या होगा, मटीरियल सेम है तो भाई यंग मॉडुलस दोनों का एग्जैक्टली सेम है, यानी कि फोर्स
अपॉन एरिया डेल्टा एल वन बाय एल वन। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन में पुट कर लेना वैल्यूज को, डेल्टा एल टू निकाल लेना आंसर। सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो सी ऑप्शन आ रहा है तो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। लो फिर नेक्स्ट कर दें, देख लें। देखो यंग मॉडल ऑफ स्टील, इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे पहले ये बताओ, निकालना क्या है पहले ये बताओ। इलोंगेशन ऑफ द वायर यंग मॉडल्स की प्रॉब्लम है, इलोंगेशन ऑफ द वायर में क्या करेंगे, इलोंगेशन के अंदर वाई, जो वाई की वैल्यू है इज फोर्स एरिया डेल्टा एल बाय एल, तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या आएगी, फोर्स लेंथ वाई और एरिया, यही आएगी। फोर्स की जगह क्या पुट करें, बाकी सब कुछ गिवन है इस क्वेश्चन में, फोर्स क्या पुट करें, एम जी, बोलो कितना, एम इंटू ना जी बाई फोर, क्योंकि वो एक ऐसे प्लैनेट पे एक्सपेरिमेंट करवा रहा है जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/4 था, इसलिए एम जी बाई फोर, बस ये कॉन्सेप्ट है, बाकी सब कुछ तो गिवन है इसमें। आंसर पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है, डन हो गया, ठीक है यहां तक। एम जी बाई टू, mg by 2 नहीं, l by 2, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे इसका आंसर d है, ये क्वेश्चन क्या लगेगा, क्या लगाया कॉन्सेप्ट, क्या लगाया कॉन्सेप्ट, क्या लगाया, पास्कल लगाया, क्या लगाया, लगाया क्या, एफ और एरिया देख के मत बोलो। ब्रेकिंग स्ट्रेस किसी भी वायर का कांस्टेंट होता है, फोर्स बाय एरिया की रेशियो रिमेंस सेम, बिल्कुल ठीक। तो इसमें एक वायर की फोर्स गिवन है, एरिया ए वन है, फोर्स एफ टू है, एरिया ए टू है, एफ वन एफ टू पता है, वहां से एरिया निकाल लेना, और यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, मेट्रिक टन आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे सपोज ये क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालो क्या आएगा, तो इसमें क्या गिवन है, स्टील रॉड हैज अ रेडियस ऑफ, मीटर में करना पड़ेगा बिकॉज सब कुछ एसआई में चल रहा है, तो आपको रेडियस पता है, रेडियस पता होने का मतलब आपको क्या पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी पता है, एरिया भी पता है,
और लेंथ ऑफ एल भी पता है, फोर्स की वैल्यू पता है, और क्या पता है, यंग मॉडल्स पता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बताना है, यानी कि डेल्टा एल बाय, तो लगा लो फोर्स इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, डेल्टा एल बाय एल, तो डेल्टा एल बाय एल इज फोर्स एरिया बाय, तो निकाल लो, चेक कर लो क्या आंसर आ रहा है, 25 पुट करोगे, 25, ओके एक ऑप्शन 25, दूसरा और देखते हैं क्या आंसर आते हैं, इसका आंसर कितना आ रहा है देखें, 25 है भाई, सही है, तो यहाँ से स्ट्रेन निकालो, 25 इंटू 10 की पर माइनस 5 आ रहा होगा कैलकुलेशन में, वो आप देखो यही आना चाहिए, 25 इंटू 10 की पावर माइनस 5 की फॉर्म में चाहिए, तो इंटीजर टाइप में 25 आएगा, मेथड समझ में आ रहा है। देखो ये प्रॉब्लम जब बहुत उसमें आ जाएगी ना, जब पूरा सिलेबस होगा, पैनिक होगा, तो ये भी नहीं होना, टाइम लगता है, और जहाँ आपको 3 मिनट फालतू लग गए आते हुए क्वेश्चन में, आपको और पैनिक हो जाएगा, यार मैं पूरा पेपर कैसे करूँ, इसकी खूब प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट चलेंगे तब जाके कुछ बात बनेगी। तो मैं लूँगा जनवरी के अंदर सिलेबस जल्दी खत्म करके, मैं कोशिश करूँगा पूरे सिलेबस के मॉक टेस्ट के मॉक टेस्ट लेंगे, उससे आपको बहुत फायदा होगा, जितनी टाइम रिविजन होगी पूरे सिलेबस के उतना ही बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा। देखा नहीं लगता, रिविजन शीट पर मैंने डाला है, मेरी हैंड रिटन में डला हुआ है ये, और एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, ज्यादा रहे दिया हुआ है, वहीं से डाला है, मेरी शीट में भी है, कोई ये भी नहीं कह सकता कि मैंने शीट देख के लिखी है, लास्ट ईयर रिकॉर्डिंग देख लो उसमें भी है ये क्वेश्चन, ठीक है 2016 से लिख रहा हूँ मैं शीट्स, 2017 से उस टाइम ही करवाया था मैंने ये क्वेश्चन। अब मजे की बात ये देखो, क्वेश्चन में प्रॉब्लम थोड़ी ना है, मेन्स कोई जादूगर थोड़ी ना है, किताबें डालते करता क्या है, ये कोई IAS का पेपर थोड़ी ना कि कहीं भी कुछ भी डाल देंगे, सिविल सर्विसेज थोड़ी ना है भैया, सबसे एक लिमिटेड सिलेबस है, उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिंपल।
बोलो क्या लगेगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लेंथ एल, तो एल की वैल्यू कितनी है 20। स्ट्रेच थ्रू क्या गिवन है? डेल्टा एल। और ये एनर्जी गिवन है, एनर्जी पता है क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? हाफ फोर्स डेल्टा एल गिवन है। गिवन है क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो y इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल। तो यहां से फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? y एरिया डेल्टा एल बाय एल। इसको उठा के पुट करके आंसर निकाल लेना। आंसर आपको ऐसा फील नहीं हो रहा, टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। अब मैं आपको ना एक टेक्निक बताता हूँ। टेक्निक कुछ ऐसी है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार फोर्स फ्रिक्शन वर्क पर रोटेशनल तत्व, क्या सोचते हैं यार हमें ना हमें ही कमी है शायद कि हम ना सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। मतलब नॉन मेडिकल मेडिकल तो ठीक था, पर मुझे लगता है कि मैं कर नहीं पाऊंगा यार, तो मेरे को लगता है एनसीईआरटी कर लेनी चाहिए। अब मैं आपको ना तरीका बताता हूँ। स्टूडेंट कितना भी इंटेलिजेंट हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सिलेक्ट होगा। एक एवरेज स्टूडेंट बढ़िया रिजल्ट दे जाता है कभी कभी। देखो प्लान ऑफ एक्शन देखो, अगर आप वॉल्यूम टू को ध्यान से देखो, वॉल्यूम टू कंपैरेटिवली बहुत आसान है। वॉल्यूम टू के न्यूमेरिकल देखो आप बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड हैं और उल्टपटांग क्वेश्चन आते ही नहीं बिल्कुल भी। आप उठा लो अपना काइनेमेटिक्स, मैं कह रहा हूँ सबसे एंड में करना, वो तो होना है तो हो जाना है, नहीं होना उलझा देगा। और स्टूडेंट मेहनत कहाँ करता है ज़्यादा? काइनेमेटिक्स। जब उसको काइनेमेटिक्स नहीं आता ना, उसको तो मैं फिक्स नहीं कर पाऊंगा। कौन कर रहा है काइनेमेटिक्स? थर्मो करो, प्रॉपर्टीज करो, SHM करो, वेव्स करो, भरा पड़ा किताब में से क्वेश्चन। मैकेनिक सबसे टफ है, पूरे 2 साल में मैकेनिक सबसे टफ है। तो उस सेगमेंट को सबसे एंड में करो। जब तैयारी होती है ना अभी फाइनल्स की, मैं नहीं कराता काइनेमेटिक्स अभी रिवीजन, मैं कराता हूँ प्रॉपर्टीज, मैं करवाता हूँ थर्मो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। SHM वेव स्ट्रेट किताब में से क्वेश्चन है। और मैं फिर एंड में करवाऊंगा काइनेमेटिक्स, सबसे एंड में काइनेमेटिक्स, फिर कराऊंगा रोटेशनल। भाई पता है रोटेशनल जिसका ठीक है वो तो कर भी लेगा, अब जिसका नहीं ठीक, यहाँ से नंबर स्कोरिंग ज़्यादा है। प्लस टू बहुत स्कोरिंग है, प्लस टू सेम है, ये कर लिया और प्लस टू कर लिया एक ही बात है। इस लेवल पे फ्रीक्वेंसी चलेगी प्लस टू की, कोई टफ नहीं है प्लस टू। प्लस फर्स्ट पार्ट प्लस वन का ज़्यादा ट्रिकी है। और प्लस टू के अंदर बेसिकली क्या होता है, वो CBSE की तैयारी करता है दबा के, प्लस टू का बच्चा। और NCERT न्यूमेरिकल तो वैसे उड़ा देगा, उसको फर्क ही नहीं है, तैयारी तो कर ही ली बोर्ड की। और प्लस इंपॉर्टेंट क्या है, किसकी प्लस वन ज़्यादा सही है, कि जो प्लस वन सही कर जाएगा वो देखो उसके चांस ज़्यादा हो जाएंगे, प्लस टू और कोई कर ही लेगा। तो ध्यान से सिलेक्शन करो चैप्टर्स की और इनके ऊपर ज़्यादा काम करो, ज़्यादा रिवॉर्ड पे करेंगे आपको ये। इंस्टेड कि आप रोटेशनल में कई घंटे लगाए आपने, आप इसमें घंटे आधे घंटों में हाफ नंबर ऑफ आवर्स में ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आएगा, करके देखो। देखो
देखो ऑब्जेक्ट लोकेटेड, बोलो इसमें क्या करेंगे, बस कॉन्सेप्ट बता दो मुझे, निकालना क्या पहले ये बताओ, क्या निकालना है? बल्क मॉडुलस, वाई नहीं है, लिक्विड का वाई नहीं होता, तो इसका क्या होता है? स्ट्रेस टू स्ट्रेन बल्क मॉडुलस, बी निकलेगा। क्या होगा? प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाई वी दे दिया, प्रेशर क्या होगा? एच। आंसर आप न्यूमेरिकल देख रहे हो इलास्टिसिटी के क्या आए हुए हैं,